हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 हिंदी रीडर बुक से चैप्टर नंबर 4 हाथी मेरा साथी। इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने शब्दार्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर 1, हाथी का कौन सा अंग तुम्हें विचित्र लगता है? उस अंग की विशेषता बताओ। उत्तर में है, हाथी का पांव, सूंड और कान विचित्र लगता है। उस अंग की विशेषता है मोटे मोटे पांव, लंबी सूंड, बड़े बड़े कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी कहाँ और किस तरह रहता है? हाथी जंगलों में झुंडों में रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अफ्रीका के हाथी भारत के हाथी से किस प्रकार भिन्न होते हैं? अफ्रीका के हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। वे भारतीय हाथियों से भी आकार में बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथी किस प्रकार उपयोगी है? हाथी पर चढ़कर जंगलों में शिकार किया जाता है। जंगलों से लकड़ी ढोने का काम करते हैं। बारात में सवारी करने और सर्कस में तरह तरह के मनोरंजन खेल दिखाया जाता है तथा हाथी के लंबे दांत बड़े कीमती होते हैं। इनसे तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। चीज़ें छूट गया है। इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। इस तरह हाथी उपयोगी है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दो, मतलब इसमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखना है। इसे क में हो गया, जो जंगल का निवासी है उसे क्या कहेंगे, आपको लिखना है। जैसे जंगली, जिसकी कीमत अधिक है उसे क्या कहेंगे, कीमती। जो बहुत बलवान बल वाला है उसे बलवान। जो बहुत बुद्धि वाला है उसे क्या कहेंगे, बुद्धिमान। जो उपयोग में आता है उसे क्या कहेंगे, उपयोगी। नेक्स्ट होमवर्क है, वाक्य बनाओ, इसे भी आपको होमवर्क में करना है। विशाल, सूंड, दांत, बारात, पालतू, भारतीय, अंग। ठीक है, तो इस वाक्य को आपको पूरा करना है। ये 4 और 5 जो है आपका होमवर्क है, और बाकी के क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया गया है, आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।